नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो कैंडिडेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, इंतजार आप सभी कैंडिडेट्स का खत्म हो चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है CGL की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों कि SSC की जो तैयारी है हर साल न केवल हजारों बल्कि पूरी इंडिया के अंदर लाखों कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं। और अगर हम CGL की बात करें तो CGL का एग्ज़ाम हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन इजी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए CGL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं डिटेल में अच्छी तरह से। दोस्तों, पूरा वीडियो आप चेक करें अच्छी तरह से। अगर CGL से रिलेटेड कोई भी चीज़ में आपको डाउट है किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर दोस्तों, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर पूछें कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो। और इसके अलावा जो है सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो डाला जाएगा, आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा सिलेबस CGL के रिगार्डिंग और कैसे आपको तैयारी करनी है। रेफरेंस बुक भी आपको बताई जाएंगे। तो ये चेक कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे है दोस्तों, ये है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 और इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 22 अक्टूबर से और लास्ट डेट इसकी रहेगी 25/11/2019, 25 नवंबर। मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि लास्ट डेट का इंतजार आपने बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे ही नहीं बल्कि किसी भी फॉर्म आप भरें तो तुरंत जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए और लिंक एक्टिवेट हो जाए तुरंत आप अप्लाई करो। लास्ट डेट का इंतजार बहुत डेंजरस होता है दोस्तों, कभी भी आपने नहीं करना है। उसके बाद देखिए लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25 नवंबर है दोस्तों लास्ट डेट इसकी, और है लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस की आप पेमेंट करवा सकते हैं 27 नवंबर तक, और लास्ट डेट है दोस्तों ऑफलाइन चालान जनरेट करने की वो भी है 27 नवंबर 2019। अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू, अगर चालान के द्वारा आपने पेमेंट करवानी है दोस्तों तो 29 नवंबर तक आप पेमेंट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की। इसमें देखिए चार टीयर में इसका एग्जाम होता है दोस्तों। एक तो टीयर 1 के अंदर जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टीयर 1 और 2 दोनों CBEO एग्जाम होते हैं, आप सभी को पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये है दोस्तों 2 मार्च से लेकर और 11 मार्च तक चलेगा, 2/3/2020 से लेकर 11/3/2020 तक। और टीयर 2 जो है CBE एग्जाम और टीयर 3 जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो चलेंगे दोस्तों आपके 22/6/2020 से लेकर 25/6/2020। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आपने प्रॉपर तैयारी करनी है एग्जाम की, आप कर भी रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा जो है दोस्तों आपने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनका पूरा पूरा आपने ध्यान ध्यान रखना है। तो आइए चेक करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, और इसके अलावा और जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो अभी इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों CGL के अंतर्गत जो है 2 प्रकार की पोस्ट के लिए भर्ती आई है, ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है फीस की, हम यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पे स्केल की। सबसे पहले तो जो पे स्केल है दोस्तों उसका देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये सैलरी है, प्लस में सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। नंबर 1 पे जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CA&AG। ग्रुप बी की ये पोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना आपने। और फिजिकल हैंडीकैप की ये जो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है OH, OA, OL, BL और HS वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, एज में छूट है नियमानुसार, वो किसी वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों अच्छी तरह से। नंबर 1 पे जो पोस्ट है पे स्केल उनका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, किस डिपार्टमेंट में है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CA&AG जिसको हम बोलते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों और एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पे जो पोस्ट है इसी के नीचे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ग्रुप बी की है दोस्तों, एज वही है सेम 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये पोस्ट है इस पे स्केल की, 44,900 से लेकर 1,42,400 पे स्केल रहेगा। ये जो नीचे पोस्ट है इन सभी का, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज आपकी 20 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए दोस्तों।
उसके बाद नंबर चार पे जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे नहीं है। पोस्ट फॉर पोस्ट नॉट आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर PWD कैंडिडेट, ध्यान रखना आपने। उसके बाद नंबर पाँच पे जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज आपकी 20 और 30 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, ग्रुप बी की पोस्ट, एज 20 से 30 साल के बीच में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है दोस्तों, सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पे एज आपकी 18 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे भी असिस्टेंट की है, इसमें 20 से 30 साल के बीच में, ध्यान रखना है दोस्तों, इस असिस्टेंट के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में, और इस असिस्टेंट के लिए जो एज है दोस्तों वो आपकी 20 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, 30 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बहुत से कैंडिडेट्स तैयारी करें हैं दोस्तों, सपना है उनका इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का, इंस्पेक्टर बनने का इनकम टैक्स में, बड़ी अच्छी बात है। CBDT डिपार्टमेंट है दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है, 30 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए माय डियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों इंस्पेक्टर की, सेंट्रल एक्साइज में, बहुत अच्छी पोस्ट है, गजब की पोस्ट है, CBIC है डिपार्टमेंट का नाम, ग्रुप बी की है, 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टरी इंस्पेक्टर है दोस्तों, ये है प्रिवेंटिव, निवारक बोलते हैं इसको हिंदी में दोस्तों, प्रिवेंटिव ऑफिसर, निवारक इंस्पेक्टर जिसको हम बोलते हैं, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, और कंडीशन वही सेम है दोस्तों इनमें भी। और नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है, और डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज आपकी 30 साल से अप टू 30 साल, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल यहाँ पे मेंशन है। SI की है दोस्तों सब इंस्पेक्टर जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में SI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत बढ़िया पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों, 20 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। देखिए CGL के अंदर जितने भी पोस्ट हैं दोस्तों बहुत बढ़िया पोस्ट निकलती हैं, और जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं, जो मीडियम कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो तो हर हालत में सिलेक्शन हो ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रेगुलर तैयारी करें आप लगातार, अगर आपका एम है, टारगेट है, आपने फिक्स कर लिया है कि मुझे तो यही जॉब करनी है SSC में, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप लगे रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बी कंटिन्यू प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट उसका नाम है इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नेरोटिक्स, क्या है, सॉरी जूम करके देखते हैं, यस नैरकोटिक्स है दोस्तों, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरकोटिक्स, ग्रुप बी की पोस्ट है, और उसके बाद जो है एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। काफ़ी पोस्ट हैं दोस्तों, 34 प्रकार की पोस्ट यहाँ पे मेंशन है इसके अंदर, और सीरियल नंबर 34 तक है ये। तो पे स्केल जो है 6 की अगर हम बात करें तो इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। तो पोस्ट जो है फटाफट आपको बता देते हैं, मेन मेन यहाँ पे भी असिस्टेंट की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों, ग्रुप बी की पोस्ट चल रही है यहाँ तक, ये भी असिस्टेंट है, सुपरिटेंडेंट भी है, डिविजनल अकाउंटेंट SI की है दोस्तों, और एज यहाँ पे राइट साइड में मेंशन है कॉलम में। तो ये सारी की सारी जो है पोस्ट आप कंसर्न चेक कर लेना। उसके बाद जो पे स्केल 5 की अगर हम बात करें तो उसमें पे स्केल ये रहेगा कैंडिडेट का 29,200 रुपये से लेकर 92,300 तक जो है पे स्केल रहेगा। पोस्ट का नाम है दोस्तों ऑडिटर, अब ग्रुप सी की आ गया यहाँ पे, ये ऑडिटर है, सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में है दोस्तों, अकाउंटेंट भी है, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, एज इसमें आपने यहाँ ध्यान रखना है कि 18 से 27 के बीच में इन्होंने एज मांग रखी है कैंडिडेट के लिए। और उसी के नीचे है दोस्तों अब आगे पे लेवल 4 की पोस्ट, 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपकी पे रहेगी। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट UDC है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, अलग अलग पोस्ट डिपार्टमेंट में दोस्तों सारी की सारी, एज आपकी 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट है CBDT टैक्स असिस्टेंट, आगे SI है दोस्तों, CB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरकोटिक्स में है ये, और इसी के नीचे काफ़ी है दोस्तों, UDC की भी हैं, तो कुल मिला के ये यहाँ तक है। उसके बाद जो है यहाँ तक जो है दोस्तों सीरियल नंबर 34 तक की सारी पोस्ट हैं। तो जो कैंडिडेट से CGL के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से मैच कर लेना। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ज़्यादातर पोस्ट के लिए लगभग
जो है ग्रेजुएशन इन्होंने मांग रखी है, और आपकी जो डिग्री है वो वैलिड होनी चाहिए दोस्तों, किसी भी फेक यूनिवर्सिटीज की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करियर मेंशन है नोटिफिकेशन में। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये लगभग 65 या 67 पेज का है, इसको आप अच्छी तरह से रीड करके केयरफुली तभी आप अप्लाई करें, ताकि आपका टाइम भी बचे दोस्तों और आपका जो है पैसा भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। आप अच्छी तरह से चेक करके फिर आप इसमें अप्लाई करें। अब बात करते हैं दोस्तों नियमानुसार जो एज में छूट है, एज रिलैक्सेशन की, यहाँ पे जिक्र है। देखिए कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए कितनी छूट है एज में, ये देखिए वो यहाँ पे है, एज लिमिट का क्लियर मेंशन इन्होंने इस कॉलम के अंदर किया है। एज लिमिट का जो पोस्ट जिसके अंदर इन्होंने मांगा है 18 से लेकर 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जहाँ पे इन्होंने मांगा है कि कैंडिडेट की उम्र 20 और 27 साल के बीच में होनी चाहिए, 20 से 27 साल तक, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए दोस्तों, अच्छी तरह मैच कर लेना। नंबर 3 पे है जहाँ पे इन्होंने मांगा है एज आपकी 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, वहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए, और 30 तक इन्होंने मैक्सिमम अगर मांगा है अप टू 30, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ ये डेट है दोस्तों, डेट रेंज है इनके बीच में आपकी होनी चाहिए, तो इसको इसी तरह 32 के केस में है दोस्तों, 32 मैक्सिमम मांगा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी इसके बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नियमानुसार छूट है एज में। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, फिजिकल हैंडीकैप जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल की छूट है, फिजिकल हैंडीकैप OBC से है तो 13 साल की छूट है, फिजिकल हैंडीकैप SC ST है तो 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के मामले में दोस्तों 3 साल का यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। J&K के केस में कैंडिडेट की जो अगर हम बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है दोस्तों यहाँ पे, और डिफेंस पर्सनल है या और डिसेबल्ड है ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज में, तो उसके लिए जो 3 साल की छूट है वही डिफेंस पर्सनल की यहाँ पर है दोस्तों कंडीशन। इस केस में जो यहाँ पे मेंशन है SC ST का कैंडिडेट है तो उसके लिए 8 साल की छूट है। तो जो कैटेगरी है दोस्तों रिलेटेड कैटेगरी है, उसको अच्छी तरह से मैच करके फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात ग्रुप सी के लिए छूट नियमानुसार, वो यहाँ पे मेंशन है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज है दोस्तों उनके लिए 3 साल की छूट है, यानी कि मैक्सिमम जो है 40 साल 40 ईयर्स की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे छूट है SC ST है तो 45 तक, और यहाँ पे अगर वोमेन के केस में बात करें विडो के केस में डाइवोर्स वोमेन के केस में तो 35 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST अगर है दोस्तों विडो डाइवोर्स वोमेन या फिर जुडिशियली सेपरेटेड वोमेन है दोस्तों, तो आप 40 ईयर्स तक की एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों नियमानुसार छूट। अब मेन सबसे पॉइंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और फीस की, तो इसमें चेक कर लेते हैं दोस्तों वो कहाँ पे है। सिलेबस की भी हम बात करेंगे, ये है दोस्तों एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे मेन पार्ट है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, चेक कर लेते हैं जूम करके। जो पोस्ट है जिसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, उसके लिए कैंडिडेट क्या होना चाहिए दोस्तों, सिंपल ग्रेजुएट क्लियर मेंशन है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो BA पास होना चाहिए कैंडिडेट, पहली कंडीशन। डिजायरेबल में इन्होंने लिखा है दोस्तों कि डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो इन्होंने मेंशन किया है कि आपने CA हो दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो दोस्तों, या फिर CS कंपनी सेक्रेटरी किया हो, या फिर किया हो मास्टर्स इन कॉमर्स MCOM, या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज बिजनेस स्टडी में मास्टर डिग्री हो, या फिर जिन्होंने MBA किया है दोस्तों फाइनेंस में वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जिन्होंने किया है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री वालों के लिए भी है दोस्तों, बहुत बेनिफिट इसमें डिजायरेबल उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद है दोस्तों जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कंडीशन, वही है कैंडिडेट BA पास होना चाहिए, 10+2 की कंडीशन है कि 10+2 में आपके 60% नंबर होने चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, यानी कि ये कह सकते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट जो आपका 10+2 में होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टेटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द डिग्री लेवल, जिन्होंने BA पास किया है सिंपल BA, लेकिन साथ में आपके पास स्टेटिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जिनके पास 10+2 में मैथ नहीं था तो वो कैंडिडेट सिंपल BA वाले भी जिन्होंने स्टेटिक्स है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं,
तो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैच कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका नाम है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। सिंपल क्वालिफिकेशन मांगे दोस्तों, कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टेटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीए होना चाहिए दोस्तों, साथ में सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तीनों सालों में दोस्तों इन्होंने मांगा है ऑल थ्री ईयर्स, यानी कि आपने एक साल पढ़ के और छोड़ दिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक बात और मेन इसमें मेंशन है, एक तो ये है दोस्तों ऑल अदर पोस्ट, इसके अलावा बाकी जो भी पोस्ट रहेगी ना सभी में इन्होंने बीए पास मांगा है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अच्छी है दोस्तों खबर, वो ये है कि जो बीए फाइनल के अंदर हैं फिलहाल वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चिंता कर रहे होंगे कि हम फाइनल ईयर में हैं, पता नहीं हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, ये खुशखबरी आपको सुना दी है। द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हाउ एवर दे मस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर 1/1/2020, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री जो है 1 जनवरी 2020 से पहले क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों उनके लिए अच्छा चांस है, किसी भी वजह से किसी का रिजल्ट वेटिंग है या कोई फाइनल ईयर में पढ़ रहा है तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, या फिर डिस्टेंस और का भी जिक्र इन्होंने किया है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। हाँ एक चीज़ और इन्होंने मेंशन किया है, उसको तो आप ज़रूर पढ़ना, देखिए यहाँ पे 8.7 में, एज पर यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से कौन कौन से कोर्स मान्य नहीं हैं। देखिए रेगुलेशंस 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट ऑन डेटेड अंडर पार्ट द प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग मेडिसिन डेंटल नर्सिंग फार्मेसी आर्किटेक्चर एंड फिजियोथेरेपी एक्स्ट्रा आर नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, यानी कि ये जो कोर्स हैं दोस्तों जिन्होंने हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग किया है या मेडिकल साइड से किया है जिन्होंने कोई भी कोर्स, या डेंटल का या नर्सिंग का फार्मेसी का या फिर आर्किटेक्चर का या फिजियोथेरेपी वगैरह का, और जिन्होंने डिस्टेंस से किया है या ओपन से किया है ये वाले कोर्स, तो वो कैंडिडेट इसके अंदर जो है परमिशन मिली है उनको अप्लाई करने की, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। अब आप देख लेना आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। अब इन्होंने जिक्र किया है दोस्तों सिलेबस का, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उससे पहले एप्लीकेशन फ़ीस का हम जिक्र करेंगे। ये देखिए सिर्फ 100 रुपये फ़ीस है दोस्तों, सिर्फ 100 रुपये फ़ीस है, फीस पे पेएबल 100 ओनली। और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, वो यहाँ पे मेंशन है। फीस की पेमेंट आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करवा सकते हैं, या फिर एसबीआई चालान से भी आप पेमेंट फीस की करवा सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों सिलेबस का यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जाम की बात है, यहाँ पे हरियाणा की बात करते हैं हम सबसे पहले। देखिए नॉर्थ रीजन में अभी जो है इसको ये आ गया यहाँ पे, हरियाणा चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो लोग हैं उनका एग्जाम सेंटर ये रहेगा दोस्तों, चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, हिमाचल का जिक्र है दोस्तों यहाँ पे, शिमला, जम्मू, लेह, सांबा, श्रीनगर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और अमृतसर। तो ये आप देख लेना दोस्तों, जो जो इन स्टेट्स के लोग हैं वो एग्जाम सेंटर आप अपना यहाँ पे भर सकते हैं। अब हम सिलेबस की ओर चलेंगे, मेन जो चीज़ है यहाँ पे देखिए एक चीज़ का इन्होंने मेंशन किया है दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जाम का नंबर एक, चार टीयर में एग्जाम होगा दोस्तों। टीयर वन के अंदर आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टीयर टू है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, टीयर थ्री में आपका पेपर होगा दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि पेन और पेपर मोड होगा वो, यानी कि कंप्यूटर से नहीं होगा वो, पेन और पेपर मोड। और नंबर चार पे जो टीयर फोर का एग्जाम होगा दोस्तों उसमें आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट आपका चेक किया जाएगा, और साथ में डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, तो ये आपका स्किल टेस्ट है। और उसके बाद जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक वीडियो दोस्तों मैंने स्पेशल बनाया था सभी कैंडिडेट्स के लिए कि आप कंप्यूटर को जरूर सीखिए, ज़्यादा नहीं तो आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए, साथ में आपको टाइपिंग की स्पीड भी आपकी आनी चाहिए, तो आपकी स्पीड जो है टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की जो कि यहाँ पे है, ये देखिए दोस्तों स्कीम ऑफ टीयर वन एंड टीयर टू एग्जाम, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि टीयर वन का जो एग्ज़ाम है नेगेटिव मार्किंग है 0.5 के हिसाब से,
और टीयर टू का जो एग्जाम है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 के हिसाब से दोस्तों। अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम उसको पढ़ के चेक करेंगे। स्कीम ऑफ टीयर वन एंड टीयर टू एग्जाम में देखिए यहाँ पे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रिहेंशन आएगी दोस्तों। और ये जो है आपकी सभी 50-50 नंबर की आएंगी, यहाँ पे मार्क्स हैं और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। बात करते हैं सेकंड, यहाँ पे देखिए इसमें दोस्तों पेपर 4 आपके 1, 2, 3, 4, इसमें क्वांटिटी एबिलिटीज होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, स्टेटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों 200-200 नंबर का मामला है। यहाँ पे टाइम रहेगा आपके पास 1 घंटा और 20 मिनट। अब नेगेटिव मार्किंग का भी हम जिक्र यहाँ पे करेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग का दोस्तों यहाँ पे है, देखिए आप इसको अच्छी तरह से रीड करें केयरफुली ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नेगेटिव मार्किंग का, काफ़ी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहता है। तो सिलेबस का तो अलग से वीडियो हम बनाएंगे, वैसे फिर भी थोड़ा बता देते हैं। टीयर वन में देखिए आपका क्या रहेगा, टीयर वन एंड टीयर टू विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश हिंदी में होंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे मेंशन है, द टीयर वन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, टीयर वन में नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 रहेगी, टीयर टू में आपका क्या रहेगी, टीयर टू देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, टीयर टू में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने मेंशन किया है, पेपर टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन एंड ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, क्लियर कि टीयर टू का जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी लेकिन 0.25 किस में रहेगी दोस्तों, पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन में, बाकी जो है 0.25 वो किस में रहेगी दोस्तों, इनमें, पेपर वन, पेपर थर्ड और पेपर फोर में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। वैसे तो पता है आप सभी का, सभी को, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छी तरह से चेक करें। उसके बाद है दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, इन टीयर टू पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड आर कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, वो तो है ही दोस्तों। तो उसके बाद जो है सिलेबस इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया है। ये देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ टीयर थ्री का एग्जाम की अगर हम बात करें, कंप्यूटर थ्री का जो एग्जाम होता है दोस्तों पेन और पेपर मोड पे, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रीसीज दे देंगे कोई भी लेटर या फिर कोई एप्लीकेशन देंगे। तो 60 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा और 100 नंबर का रहेगा दोस्तों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और टीयर फोर जो है, टीयर फोर का एग्जाम होता है स्किल टेस्ट, अभी आपको बताया, स्किल टेस्ट से मतलब आपका कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट आपका चेक किया जाएगा और डाटा एंट्री आपकी चेक की जाएगी दोस्तों, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट आपका होगा, यानी कि ये भी जो है आपका टेक्निकल चेक करने के लिए सारा मामला। अब ये सिलेबस यहाँ पे मेंशन है डिटेल में, देखिए टीयर वन का यहाँ पे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर मेंशन है, तो इसी के अकॉर्डिंग सिलेबस की तैयारी करनी है आपने। जनरल अवेयरनेस की दोस्तों यहाँ पे है, ये देखिए जनरल अवेयरनेस का है, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का है और इसी के नीचे सारा है इंग्लिश कम्प्रिहेंशन में क्या पूछेंगे, और टीयर टू का पेपर वन जो क्वांटिटी एबिलिटीज का, तो इसको आप जरूर चेक करें सिलेबस का और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। तो दोस्तों ये है कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो 67 पेज का है एक्चुअल, 67 पेजेस का। बाकी अगर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखना आपने। ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 22/10/2019 से और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 25/11/2019। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको प्लीज शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।